आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी दूर्वा बुक का पार्ट 6 सागर यात्रा के प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1 का क। सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यों? तो इसका उत्तर है, सागर यात्रा में नौका संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह उसका चक्का संभाले रखे और द्वीपों और वेल मछलियों पर नजर रखे। प्रश्न ख। वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? क्योंकि वो तो समुद्र की यात्रा कर रहे थे फिर भी पानी की समस्या हुई, ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है, समुद्र का पानी खारा होता है, ना तो पीने योग्य होता है और ना ही नहाने योग्य। नहाने से बदन में चिपचिपाहट हो जाती है, अतः समुद्र में यात्रा करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। प्रश्न 2। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे, समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? तो इसका उत्तर है, समुद्री यात्रा में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी तथा वेल मछलियों की थी, फिर तूफानों तेज हवाओं का खतरा भी रहता है। तूफान में एक बार जहाज दूर बहकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नौका चट्टान से टकराकर टूट जाएगी, उनके सारे रक्षक उपकरण भी खो गए, 15 दिन के लिए उनका रेडियो संपर्क भी टूट गया। समझा गया कि तृष्णा लापता हो गई है, तृष्णा उनकी नौका का नाम था, परंतु फिर हम अपनी राह पहुंचने में सफल हो गए। इस बीच कई बार साथी समुद्र में भी गिर गए, उन्हें नौका में खींचा गया। प्रश्न 3। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता, तो इसका पहला है, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? इसका उत्तर है, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई करने, नौका की सफाई आदि सभी काम करता था। दूसरा, तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी, यानी उनको माँ के कामों से कंपेयर क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से माँ की उपमा इसलिए दी गई थी उन कामों को क्योंकि सबकी देखभाल एक माँ ही कर सकती है और ये काम ऐसा ही था, इसीलिए उसे माँ के कामों की उपमा दी गई थी। तीसरा, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? हाँ तो बताओ। का, तब तुमने कौन कौन से काम किए थे, यानी अगर आपने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है तो कौन कौन से काम किए? तो इसका उत्तर है, माँ और पिताजी को रोटी परोसी, घर के बर्तन भी धोए, उनकी दवा पानी की पूरी जिम्मेदारी निभाई, घर में साफ सफाई का काम भी किया है। इसी का प्रश्न खा है, वे काम क्यों और किस लिए किए थे? तो इसका उत्तर है, जब एक बार माँ पिताजी की तबीयत खराब हुई तो घर पर और कोई नहीं था, इसलिए ये सब काम करने पड़े। माँ और पिताजी की ऐसी स्थिति देखकर मुझे परेशानी और दुख हुआ था, इसलिए ये काम मैंने किए। चौथा प्रश्न, तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है, सूची बनाओ। तो इसका उत्तर ये है कि हमारी माँ सुबह उठकर सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, खाना बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमारे जाने के बाद दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती हैं, हमारे आने पर हमारा मुंह हाथ धुलवाती हैं, हमें खाना परोसती हैं, दोपहर के बर्तन धोती हैं, हमें पढ़ाती हैं, शाम को हमारे साथ बाग में जाती हैं जहाँ वे हमारे साथ खेलती भी हैं, बाग से आते हुए वे सब्जी लाती हैं, घर आकर रात का खाना बनाती हैं, सबको खाना खिलाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके ही सोती हैं, ये सभी काम वे हमारे लिए हमेशा करती हैं। प्रश्न 4। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानियाँ हुई? तो इसका उत्तर है, उन्हें नहाने को नहीं मिला, पीने के पानी की भी समस्या थी। इसी का खा प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उसके बारे में बताओ? तो इसका उत्तर है,
हमारे यहाँ कभी कभी पानी बिल्कुल चला जाता है। उस समय पीने, नहाने, खाना बनाने के लिए पानी नहीं होता। अक्सर पानी भरकर रखना पड़ता है, परंतु वह भी कम हो जाता है। इधर उधर से मांगना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। प्रश्न चार का ग, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, पानी को बेकार ना बहाएं, जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें। सड़कों पर टूटे हुए पाइप की मरम्मत के लिए विभाग पर जोर डालें। इसके अलावा पानी आने के समय उसे स्टोर करके रखें। प्रश्न पाँच, तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। पहला, वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसे की? तो इसका उत्तर है, हमने दिल्ली से मुंबई, पूना, नासिक, शिरडी की यात्रा की। ये यात्रा करीब 15 दिन की थी। दिल्ली से मुंबई रेल से पहुँचे। इसी का प्रश्न खा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई? तो इसका उत्तर है, रेल के टिकट बहुत ही कठिनाई से मिले। एक बार तो लगा वापस लौटना पड़ेगा, पर किसी तरह टिकट मिल गए और हमने यात्रा शुरू की। मुंबई पहुंचने पर देखा कि बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भर गया था। प्रश्न गा, उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया? तो इसका उत्तर है, किसी तरह पूना पहुंचे, फिर पूना से नासिक गए। एक ही दिन में नासिक और शिरडी की यात्रा की। पूरी रात बस से सफ़र किया, जो बड़ा खतरनाक लग रहा था क्योंकि बारिश के दिन थे। सड़कें गीली व खाली थीं। अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भरा हुआ था। सड़कें टूटी गई थीं, जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ था। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। परंतु जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर यात्रा पूरी करके लौट आए और चैन की सांस ली। प्रश्न पाँच का घ, उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले? तो इसका उत्तर है, उस यात्रा में हम अपने कई रिश्तेदारों से मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहली बार मिले, परंतु उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और इसका आखिरी प्रश्न है, कौन कौन सी चीज़ें, पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे? तो इसका उत्तर है, पहली बार पहाड़ों की चित्रकारी देखी, मंदिर देखे, पहाड़ों पर बने शिवलिंग देखे। ये बहुत ही मनोहर यानी मन को लुभावने वाला दृश्य था। प्रश्न छः, बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहां पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहराते हैं। पता लगाओ कि इन जगहों पर क्या क्या होता है। जैसे पहला दिया है अस्तबल, तो ये घोड़े रखने की जगह है। दूसरा है हवाई अड्डा, यहाँ पर हवाई जहाज आकर रुकते हैं। तीसरा है पोस्ट ऑफिस, इस स्थान पर चिट्ठियाँ आदि डाले जाते हैं व टिकटें मिलती हैं। टिकटें यानी जो टिकट होती हैं वो। चौथा है अस्पताल, यहाँ रोगियों का इलाज होता है। पांचवा है न्यायालय, यहाँ कानूनी कार्यवाही होती है और न्याय मिलता है। और छठा है बाजार, यहाँ से हम सभी वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। प्रश्न सात, तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। तृष्णा उस नौका का नाम था जिसमें सागर यात्रा की गई थी। आपस में चर्चा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खोजो। तो पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान बना था। भारत एक गणतंत्र अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया राज्य है। यह दिन 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न ख, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? तो इसका उत्तर है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से सैनिक परेड, अस्त्रों शस्त्रों से युक्त झांकियां, बच्चों के खेलकूद, नाच गाने, हमारे देश के विभिन्न स्थानों की झलक के रूप में विभिन्न झांकियां आदि निकलते हैं। राष्ट्रपति यहां वीर सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों को पदक देकर सम्मानित करते हैं व सलामी देते हैं।
हवाई जहाज द्वारा रंगों से आसमान में तिरंगा बनाया जाता है। प्रश्न ग, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर या सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं, वरना इसका उत्तर इस प्रकार है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से सैनिक परेड, अस्त्रों शस्त्रों से युक्त झांकियां, बच्चों के खेल कूद, नाच गाने, हमारे देश के विभिन्न स्थानों की झलक के रूप में विभिन्न झांकियां आदि निकलते हैं। राष्ट्रपति यहां वीर सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों को पदक देकर सम्मानित करते हैं तथा सलामी देते हैं। हवाई जहाज द्वारा रंगों से आसमान में तिरंगा बनाया जाता है और ये सब दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाता है, जिसे देखकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न 8, यह कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन कौन से खेल खेल सकते थे, सूची बनाओ। तो पहला तो शतरंज था, दूसरा लूडो, तीसरा कैरम, चौथा ताश और पांचवा पजल गेम। तो ये इस तरह के जो खेल थे ये नौका पर खेल सकते थे। प्रश्न 9, दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस एक घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे? तो इसका उत्तर है, यदि हमें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो हम उस एक घंटे में खूब खेलेंगे और दोस्तों से जी भर के बातें करेंगे। प्रश्न 10, हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे, हमें ये भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस ना लौट सकें। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे, आपस में चर्चा करो। तो इसका उत्तर है, उन 10 नाविकों में अपने देश के नाम व गौरव का जज्बा था। वे चाहते थे कि तृष्णा नामक भारतीय जहाज की विश्व में ख्याति हो, यानी वो प्रसिद्ध हो सके। इसी देशभक्ति के जज्बे ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और वे इस खतरनाक यात्रा के लिए आगे बढ़े। 11वां प्रश्न, तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ या खो जाते थे। मान लो ऐसा ही एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है, वह क्या क्या बातें बताएगा, कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। कहानी शुरू इस प्रकार होती है, मैं एक मोजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ, यहाँ भाई उसका जोड़ीदार है, यानी मोजे जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं। तो इस पर किस तरह से कहानी बन सकती है, मैं एक मोजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ, अक्सर लोग मुझे पहनकर जब उतारते हैं तो जूते में डाल देते हैं फिर पहन लेते हैं, लेकिन जब मैं बिल्कुल ही खराब व बदबूदार हो जाता हूँ तो धो दिया जाता हूँ। धोकर सुखाते समय ध्यान रखा जाता है कि मैं अपने भाई के साथ ही रहूं। एक दिन इसी तरह मुझे धोने के लिए मुझे मशीन में डाला गया, धुल तो गया पर बाहर नहीं निकल पाया, मेरा भाई मुझसे बिछड़कर बाहर सूखने चला गया। मैं परेशान हो गया कि अब क्या होगा। तभी एक घंटे बाद मालकिन ने मशीन साफ की तो मुझे पाया और बड़बड़ाती हुई मुझे भी सुखाने चली गई। तब तक मेरा भाई सूखकर अंदर आ चुका था, मैं सूखता रहा परंतु किसी ने नहीं उठाया। 2 दिन बाद किसी ने मुझे उठाया और फिर कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। मैं अपने भाई से अलग हो गया और आंसू बहाता कूड़े के ढेर में पड़ा रहा। आप इस कहानी को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, आप कल्पना कीजिए और मोजे की कहानी अपने शब्दों में भी लिख। प्रश्न 12, आ और सु ये उपसर्ग हैं, ऊपर बॉक्स में दिए गए उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे सफल में आ लगाएंगे तो वो असफल हो जाएगा, स्वागत में सु लगाएंगे तो सुस्वागत हो जाएगा, इसी तरह उपसर्ग लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों में भरो, तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया है सीमा ने फल खाए, दूसरा रोहित का पेन नया है, तीसरा माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई, घ हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए, ड़ मैंने बैग में किताबें रखीं,
च पौधों को गमलों में रखो, और आखिरी केरल जम्मू से बहुत दूर है। तो ये तो प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए। इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा, तो आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।